अमरनाथ यादव जी, हम अपनी मांगे नहीं मांगे तो मांगी नहीं जा रही है। जो हमें कुछ प्राप्त हो रहा था उस पर कटौती की जा रही है। इस बात का आक्रोश हम सब लोगों के अंदर है। निश्चित रूप से आपकी भावनाएं इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और जो पदाधिकारियों ने व्यक्त की है वो शासन तक पहुंचेंगी और आगे आने वाले समय में कोई बड़ा आंदोलन जो ना किया जाए, निश्चित रूप से सरकार इस बात को अपने ध्यान में लेगी और हमारी जायज मांगे जो हमें प्राप्त हो रहा था उनकी जो कटौती की जा रही है वो पुनः बहाली के लिए जो आज ये जो उन्होंने वादा किया था सरकार में ना रहते हुए, ये वादा निभाव रैली के माध्यम से निश्चित रूप से हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। अन्यथा की स्थिति में जो आज अनुशासन तरीके से हम लोगों ने इस कार्यक्रम आयोजन किया है उसको और बड़ा रूप देकर सरकार को चेताने का भविष्य में कार्य करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष तथा राज्य पंचायत महासंघ महामंत्री हूँ। आज जो रैली हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जब संसद गोरखपुर से थे उन्होंने वादा किया था कि अगर मेरी सरकार आएगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो रोक लगी है उसको हम भर्ती करेंगे। इसको लेकर की 14 सूत्रों मांग आज उद्घाटन की जा रही है। कितने संगठन आए हैं? टोटल संगठन कितने आए हैं यहाँ आपके साथ? 8 पूरे संगठन जो है उसमें 50% जिले के लोग आए हैं, जैसे सीतापुर हुआ, गोरखपुर हुआ, बस्ती हुआ, मेदियापुर हुआ, भदोही हुआ, ऐसे तमाम जनपद आए। मेरी मांग है पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और जो चतुर्थी कर्मचारी की नियुक्ति पर रोक लगी है उसको बहाल किया जाए। ये दो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है जिससे सरकारी विभागों में कुछ काम नहीं हो पा रहा है। अगर नियुक्ति की जाएगी तभी काम हो पाएगा और अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी इससे अगर नहीं हो पाएगी तो कर्मचारियों का मन टूटा रहेगा, इसलिए इसको बहुत जरूरी है बहाल करना। ठीक सर जी, श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण और सदस्यों, मैं चिरंजीव नाथ सिन्हा यहाँ का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ सर आपके क्षेत्र का, और हमारे पास आपके सभी सम्मानित पदाधिकारी आए थे और मुझे देख के काफ़ी खुशी हुई कि आप इतनी संख्या में यहाँ पे हैं। और मैं आपसे वायदा करता हूँ कि ये जो आपका ज्ञापन है ये बहुत ही कैंडिड है। मैं जिस चीज़ को आपने यहाँ पे मेंशन किया है उसमें बहुत सारी चीज़ों को आपने बिंदुवार इसमें आपने अंकित किया है। मैं आज ही अपनी संस्तुति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में इसको दूंगा और निश्चित तौर पर इसके बारे में जो भी पैरवी भी होगी वो भी की जाएगी। और मैं आप सबसे अनुरोध, मैंने आपको साधुवाद इस वजह से दिया कि आप सबने एकदम अनुशासित एवं शांतिपूर्वक तरीके से आपने अपने कार्यक्रम को संयोजित किया, इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन की ओर से आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ।